अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया हमने देख ली है, अभी क्या हलचल है आप जहां पर हैं वहां पर? देखिए, अभी भी यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव यहाँ सामने बैठे हुए हैं और हमने ये सवाल किया था योगी आदित्यनाथ वाला, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ वो गोरखपुर चले गए, पहले ही पार्टी ने उनको वहाँ भेज दिया। तो गोरखपुर जाने को लेकर के समाजवादी पार्टी तंज कर रही है कि गोरखपुर जाने का इंडिकेशन एकदम साफ है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए गोरखपुर गए हैं और राजनीति काफ़ी गर्मा गई इस बात को लेकर। अभी आपको देखिए अखिलेश यादव यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है और आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह भी रहे थे कि हम इंतजार कर रहे थे कि क्लियर हो जाए बाबा कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद ही, इसीलिए आने में थोड़ा सा लेट भी हुई उनको यहाँ पर। जी बिल्कुल, और जो बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, जो दावा किया उन्होंने कि पांचों की पांच सीट गोरखपुर की जीतेंगे, लेकिन हम अभी दिखा भी रहे थे दर्शकों को कि 12-17 में बीजेपी का दबदबा रहा है गोरखपुर शहर सीट से, तो अखिलेश यादव की उम्मीदें जग कहां से रही है गोरखपुर में, तब जबकि योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर में खुद मौजूद रहेंगे, खुद लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए ये समाजवादी पार्टी इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रही है कि ये डर के मारे वहाँ पर गए हैं, एक तो ये, दूसरा ये कि उनकी हार तय है। और ये हमने पूछा भी कि आप उनके खिलाफ किसको उतारेंगे, आपने सोचा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो जनता वहाँ पर उसका जवाब देगी। और गोरखपुर जाने को एक तरह से समाजवादी पार्टी यही इंटरप्रेट कर रही है कि ये बीजेपी की हार की एक सिंबल है कि वो गोरखपुर चले गए, तो ये लगातार उसको ठीक है। अभिषेक लौटेंगे, अभी जारी है, आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, हम पूरी एक जो लिस्ट है महत्वपूर्ण सीटों की हम वो देख रहे थे, ज्यादातर जो चेहरे हैं उनको एक्सपेक्टेड जगह से ही, एक्सपेक्टेड सीट से ही लड़ाया जा रहा है, सिर्फ एक दो को छोड़ के, जिसमें आपने भी बताया कि दिनेश शर्मा का भी नाम नजर नहीं आ रहा अभी तक, तो क्या ये वही संकेत है जो हम शुरू से एनालाइज कर रहे थे कि बीजेपी ने शायद ये डिसाइड किया? आप भी बता रहे थे कि सीट किसी की हटाएंगे नहीं, टिकट किसी का काटेंगे नहीं, ज्यादातर लोगों को वहीं से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन उसका एक मैनेजमेंट होगा निश्चित तौर पर। अभी देखिए, जहां बहुत आवश्यक था, जहां ऐसा लग रहा था कि यहां से किसी भी सूरत में ये सीट निकलना मुश्किल होगा मौजूदा कैंडिडेट के लड़ाने पे, वहीं इस तरह का विचार किया गया है जहां से उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है, या उससे प्रबल, बहुत प्रबल दावेदार वहां पार्टी के पास मौजूद था और अगर वो किसी तरह से नाराज हो जाता तो पार्टी के लिए नुकसान हो सकता था, तो उसको एडजस्ट किया गया है। लेकिन सामान्य तौर पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मौका दिया है और साफ तौर पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी ने भी अपने तरफ से बताया कि सिर्फ 20 टिकट काटे गए हैं 115 में से, तो ये अपने आप में दिखाता है कि जिस तरह की फीडबैक पहले मिल रही थी कि इस बार बहुत ज्यादा टिकट कट सकता है, वो इस बार कम से कम नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी की तरफ से जो बातें बताई गई हैं और जो सूचना दी गई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी अब जो है ग्राउंड पे जाकर सीधे सीधे छोटे छोटे लोगों को, प्रोफेशनल्स को टिकट देगी और तकरीबन 25-30 सीट ऐसा होगा जो प्रोफेशनल्स को इस बार दिए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। इस आज की सूची में भी एक दो ऐसे नाम हैं जिसको खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने जुबान से बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन पर नजर रहेगी कि बीजेपी की इस स्ट्रेटजी का बीजेपी को क्या बेनिफिट होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।